हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 16 अक्टूबर 2024 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? ऑप्शन से फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन बी उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती, और ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। प्रश्न संख्या एक का सही जवाब हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रश्न संख्या दो है कि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन से परमेश शिवमणि ने, ऑप्शन बी नवल चौधरी ने, ऑप्शन सी अनुरुद्ध मोहन ने, और ऑप्शन डी विनय ओझा ने। प्रश्न संख्या दो का सही जवाब हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक का कार्यभार परमेश शिवमणि ने संभाला है। प्रश्न संख्या तीन है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन से मिताली राज, ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी नीतू डेविड, और ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। तो प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नीतू डेविड। इनके अलावा एलिस्टर कुक और एवी डिविलियर्स को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या चार है कि 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन से नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी एस जयशंकर ने, और ऑप्शन डी चिराग पासवान ने। तो प्रश्न संख्या चार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर ने 23वीं SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रश्न संख्या पाँच है कि विशाखापट्टनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन से नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी एस जयशंकर ने, और ऑप्शन डी जयंत चौधरी ने। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन जो किए वो थे ऑप्शन डी जयंत चौधरी ने। प्रश्न संख्या छः है कि हरियाणा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी हिसार में, ऑप्शन बी पंचकुला में, ऑप्शन सी गुरुग्राम जिसे गुड़गांव भी कहते हैं, और ऑप्शन डी फरीदाबाद में। तो प्रश्न संख्या छः का सही जवाब ऑप्शन बी पंचकुला में हरियाणा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या सात है कि वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित बालूता पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ऑप्शन से साहू पटोले, ऑप्शन बी सुकन्या शांता, ऑप्शन सी आशालता कांबले, और ऑप्शन डी अरुणा सांबाले। तो प्रश्न संख्या सात का सही जवाब ऑप्शन डी अरुणा सांबाले को। प्रश्न संख्या आठ है कि 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन से कुवैत में, ऑप्शन बी इटली में, ऑप्शन सी जर्मनी में, और ऑप्शन डी फ्रांस में। तो प्रश्न संख्या आठ का सही जवाब ऑप्शन बी इटली में। प्रश्न संख्या नौ की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नौ है कि जम्मू कश्मीर के नए उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली?
ऑप्शन ए फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन बी उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन सी सुरेंद्र कुमार चौधरी ने और ऑप्शन डी मनोज सिन्हा ने। तो प्रश्न संख्या 9 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी श्रीनगर है, वहाँ के जो नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है उनका नाम है सुरेंद्र कुमार चौधरी, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है 16 अक्टूबर 2024 को, जबकि जम्मू और कश्मीर के जो राज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है। संख्या 10 है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारतीय नौसेना के VLF रडार स्टेशन की नींव रखी है। ऑप्शन से पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी राजस्थान। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन सी तेलंगाना। प्रश्न संख्या 11 है कि राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से ए इम्तियाज अली, ऑप्शन बी राजकुमार हिरानी, ऑप्शन सी डेविड धवन और ऑप्शन डी सूरज बड़जात्या। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन बी राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है कि भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन से यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी साइप्रस और ऑप्शन डी कोलंबिया। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन डी कोलंबिया। प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय नौसेना नौकायान चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी। ऑप्शन से मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी एझिमला में और ऑप्शन डी लखनऊ में। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन सी एझिमला में भारतीय नौसेना नौकायान चैंपियनशिप 2024 का आयोजन करेगी। प्रश्न संख्या 14 है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ 3 AI उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी शिलोंग और ऑप्शन डी मुंबई। तो प्रश्न संख्या 14 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्र का शुरुआत भारत की राजधानी नई दिल्ली में किए हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर और ऑप्शन डी 14 अक्टूबर। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन बी 16 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है किस देश ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन से इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन बी भारत ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि 16 अक्टूबर को मेक्सिको और अमेरिका की 2 दिन की यात्रा पर कौन रवाना होंगे। ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी एस जयशंकर और ऑप्शन डी जयंत चौधरी। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो भारत की वित्त मंत्री हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में किसको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी डॉक्टर के लक्ष्मण और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह।
संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन सी डॉक्टर के लक्ष्मण को भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में किसको अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियर्स में सिदी अल अब देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू को, जो भारत के राष्ट्रपति भी हैं। प्रश्न संख्या 20 से इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि चौथी भारत और ऑस्ट्रेलिया के दो दो सचिव स्तरीय वार्ता किस स्थान में हुई है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी शिलोंग और ऑप्शन डी मुंबई। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो दो सचिव स्तरीय वार्ता संपन्न हुई है। प्रश्न संख्या 21 है कि हाल ही में बंधन बैंक के MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से अभिषेक रंजन, ऑप्शन बी रमेश कुमार गर्ग, ऑप्शन सी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता और ऑप्शन डी रेखा मेहता। तो फ्रेंड्स ये था प्रश्न संख्या 21 जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को बंधन बैंक जो एक प्राइवेट बैंक है निजी बैंक है के MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में शपथ ली है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 16 अक्टूबर 2024 के 20+ MCQ करेंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व खाद्य दिवस आज ही यानी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।